बनाने का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ बनाते हैं वो थोड़ा मुख्तसर सा बताने लगा हूँ कि गमलों की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। लोग तो वीडियो बड़ी बेशुमार हैं लेकिन वो बहुत कुछ कहते हैं डालो जी, उतना तो हम डाल नहीं सकते। तो ये मिट्टी मैंने, ये 3-4 गमलों की मिट्टी मैंने तैयार करनी है। इसमें मैंने करेले लगाने हैं तो उसके लिए ये मैं तैयार कर रहा हूँ। इसमें ये सादा मिट्टी है जो पिछले गमलों से निकली है, जो सब्जी वगैरह काट ली है, ख़त्म कर लिया उन गमलों से निकाल के। उसमें मैंने काऊ डंग यानी ये गोबर की खाद सिर्फ बनाई है और इसको मैंने धूप में रख देता है ताकि ये सूख जाए और धूप में ये नाइट्रोजन जिससे फिक्स हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये चार्जिंग के लिए मैंने इसकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए मैंने रख दी है ताकि इसमें नाइट्रोजन वगैरह चार्ज हो जाए। और दूसरा ये कि इसमें जो भी बैक्टीरिया है या जो भी फंगस है वो धूप की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनकी रोशनी से वो मर जाएंगी और ये मिट्टी में पौधे की जड़ जो है ना उसको ये खरा गले सड़ेगी नहीं। इसको मैं एक तकरीबन 5-6 दिन इस धूप में सुखाऊंगा और रोज़ एक दफ़ा ऐसे में पड़ देता हूँ। ये जो सुर्ख सुर नज़र आ रहा है ये पिन्नू के ऑरेंज के छिलके हैं, उसको थोड़े से मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं ताकि इसकी पीएच लेवल अगर कम हो ज़्यादा हो तो वो कम हो जाए। कि ये एसिडिक होता है तो मुझे लगता था कि इसकी पीएच ज़्यादा है तो थोड़े से छिलके इसमें मैंने काट के ये डाल दिए हैं किन्नू के। और ये सारी देखो ये मैंने ऐसे इसको हिला देता हूँ एक दफ़ा और ये मेरे 4 गमले की मिट्टी बन जाएगी और ये बहुत ही प्यारी मिट्टी बन जाएगी। इसको ज़्यादा फंगस दवाई डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसकी जड़ों को कोई भी फंगस नहीं लगेगी। और जो खाद डाली है वो भी इसमें पूरी तरह मिल जाएगी, खुश्क हो जाएगी। पहले इसको मैंने थोड़ा सा पहले पानी का छटा भी लगाया हुआ है ताकि जो वो गोबर की खाद है वो नरम हो के इसमें मिक्स हो जाए। अब ये 2 दिन हो गए मुझे इसको डाले हुए, अब 2-3 दिन और मैं इसी तरह रखूँगा। तो ये जो ऐसे एक दफ़ा हिला दूँगा और ये धूप में ये मिट्टी तैयार हो जाएगी और गमलों में भर के पौधे लगाऊंगा।